बैठिए बैठिए बैठिए, नमस्ते। तो आप इसके पिताजी हैं? अच्छा, मेरे को आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, और तुम तो बीच में बोलना मत। आप बताइए, ये घर पे करता क्या है? घर पे पढ़ता रहता है पूरे दिन। अच्छा, पढ़ाई करता है, और क्या करता है? कमरे से बाहर ही नहीं आता, घंटों तक बाहर नहीं आता। ठीक है, आपने क्या नाम बताया अपना? बबलू जी, आपका लड़का इतना हरामी है, हमारी जान खा चुका है ये। अगर इसके कारनामे मैंने आपको बता दिए, आप पहले दो थप्पड़ मेरे मारेंगे, फिर दो अपने मारेंगे। आप समझ रहे हैं मैं आपसे कितनी गंभीर बात करने वाला हूँ? पिछले हफ्ते क्या हुआ? क्या है ये? चाय है? ठीक है। अरे उसमें मलाई तैर रही है यार, हटाओ, दही मल्ला लग रहा है वो। हटा, ले जाओ उसको। 3 दिन पहले हमने सारे बच्चों से एक फॉर्म भरवाया, उस फॉर्म में इनको अपना नाम और सेक्स लिखना था। अब नाम के आगे इसने अपना नाम लिख दिया, अब सेक्स के आगे आप और मैं मेल या फीमेल लिखेंगे। जी जिसने भी मेल लिखना चाहिए जी था, जी इसने सेक्स के आगे लिखा है करवा दो, करवा दो। क्या करवा दो? ये उम्र है धार्मिक चैनल देखने की, स्पोर्ट्स देखने की, कार्टून देखने की, ये क्या देख रहा है? हेंटाई देखता है ये। अभी पिछले हफ्ते की परीक्षा में हमने सारे विद्यार्थियों से एक आसान सा सवाल पूछा कि अगर अरुण की बीवी का नाम सरिता है तो अरुण का भाई उनको क्या कह के बुलाएगा? जी आपका लौंडा कह रहा है सविता भाभी बुलाएगा। बबलू जी, घर पे क्या देख रहा है ये लड़का? सर, मेरे क्वेश्चन पेपर में मिसप्रिंट था। तो 40 बच्चों की क्लास में सिर्फ तुम्हारे पेपर में मिसप्रिंट था, वो भी सविता भाभी के नाम का। इसके साथ के दो लौंडे हैं, उन्होंने भी सेम जवाब लिखा है। मतलब तुम तीनों के पेपर में ही गड़बड़ थी। अगर एक बंदे को पेशाब लगा है तो बाकी दो क्यों जाते हैं पीछे पीछे इसका धोने? उस दिन इंग्लिश की क्लास में सेंटेंस लिखा था कूल ब्रीज, आपके लौंडे ने लिखा है कूल ब्रेजर्स। जब इसकी आंसर शीट पढ़ता हूं ना मैं, तो मुझे ऐसा लगता है मैं प्लेबॉय की कोई मैगजीन पढ़ रहा हूं। हर जगह अश्लील चीजें लिखी हुई हैं इसमें, क्या कर रहा है ये? उस दिन जब मैंने तुमसे पूछा कि इस सेंटेंस का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करो, तो तुमने क्या किया? इसको मैंने कहा कि जॉनी को अपना काम अच्छा लगा तो वो करता ही गया, अपना काम करता ही गया। तो इसने क्या बोला? जॉनी लाइक हिज वर्क एंड डन 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 डन। ये लिखता है ये एग्जाम में। बड़ी मुश्किल से मेरे को सिक्योरिटी गार्ड से टीचर की नौकरी मिली है, मैं छोड़ना नहीं चाहता। इसको समझाइए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, इसको समझाइए। आप बताइए, नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पे पहला कदम रखा, दूसरा कदम किसने रखा? जी नील आर्मस्ट्रांग ने रखा होगा दूसरा भी। क्यों भाई? अब लंगड़ी करता हुआ थोड़ी जाएगा वहां पे। आजकल थोड़ा हॉर्नी फील कर रहा है, काफी दिनों से मौसम भी ऐसा है, तो अब क्या करूं मैं, मेरी पत्नी, हम सब हॉर्नी फील करते रहते हैं बीच बीच में। तो उस चक्कर में क्या पता घर का माहौल वैसा हो गया हो कि पढ़ ना पाया हो, वरना लड़का होनहार है मेरा, मैं आपको लिख के देता हूँ। आप जाइए, चलो। खानदान है क्या है ये? अरे चाय तो पिला दो। बैठिए, नमस्ते, बैठिए, बैठो तुम भी। और कैसे हैं आप? ठीक हैं, ठीक। तुम कैसे हो? तुम तो सही रहते हो। अच्छा, बात यह है कि मैंने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन उस पे साइन करेगा ये प्रिंसिपल, गया तेल लेने। अगर ये साइन करेगा मैं तभी स्कूल छोड़ूंगा, और मेरा बहुत मन है। आपने जिद्दी मुर्गे की कहानी सुनी है? एक जिद्दी मुर्गा था, उसका मालिक उसको पिंजरे में रखता था, लेकिन वो जैसे तैसे पीछे से बाहर आ जाता था। मालिक परेशान, रखे वो पीछे से बाहर आ जाए, फिर रखे पीछे से बाहर आ जाए। एक दिन मालिक परेशान हो गया, उसको काट के बना के खा गया। जिद्दी मुर्गा था, फिर बाहर आ गया। ये वो मुर्गा है, बच्चा है छोटा। मेरा कभी कभी दिमाग सुन हो जाता है। होता क्या है कि कभी मैं क्या लाए हो, समोसे लाए हो, इनको तो समोसे समोसे लीजिए, समोसे लीजिए, चटनी नहीं लाए। तुम आधा काम करते रहा करो, जाओ 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 जाओ। ऐसे लोग मिलते हैं मुझे स्कूल में, छल रहे हैं मुझे, गोली मारू। बबलू जी, कुछ दिन ऐसे होते हैं जब मुझे लगता है मैं लटक के आत्महत्या कर लूं। बहुत मुश्किल से सिक्योरिटी गार्ड से टीचर बना हूं, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, लेकिन ये आपका लौंडा मुझे फिर से घसीट के जाते रहो कहने पे मजबूर कर रहा है। पिछले हफ्ते की मैथ्स की क्लास में मैंने सारे बच्चों से एक आसान सा सवाल पूछा, फाइंड एक्स। सब लगे हुए अपना काम करने में, ये मेरे पास चुपके से आता है, कान में बोलता है, सर वो तो बेवफा निकली, उसकी बात छोड़िए। बेवफा निकली? अरे मैं कोई दल्ला हूँ? मैं तुमसे सरल सा सवाल पूछ रहा हूँ, तुम मुझसे कह रहे हो कि वो बेवफा? अरे हम क्या करें, अभी बच्चा है, शरारतें करता रहता है। मेरा स्कूल में टट्टी करना तक मुश्किल हो गया है,
इन लड़कों ने टॉयलेट के हर दरवाजे के पीछे मेरा नंबर लिखा और ऊपर लिखा है रात का ऐसे मजे दूंगा बावली हो जाएगी। बावली हो जाएगी? कौन बावली हो जाएगी भाई? रात के 12-12 बजे मुझे फोन आते थे कि दोगे। मुझे लगा कोई ट्यूशन पढ़ना चाहता है, मैंने कहा बिल्कुल देंगे। लेकिन जब उसने सामने से कहा कि मैं घंटे के हिसाब से लूंगी, मेरी फट के 4 हो गई। मुझसे बीड़ी मांगते हैं बीड़ी, अरे मैं कहां फूकता हूँ बीड़ी भाई, मुझे अस्थमा है। मैं ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखने के लिए मुड़ता हूँ तो पीछे से बबली बबली चिल्लाते हैं। ये क्या नाम? निकनेम है मेरा बबली। आप हंस क्यों रहे हैं? समझ गया तुम किस खेत की मूली हो, मैं सब समझ गया। आप जाइए। नहीं जाइए। हेलो माँ, तुमने मेरा नाम बबली क्यों रखा? बैठिए। नमस्ते। बैठो तुम भी। नमस्ते सर। ये आपके हाथों में क्या हुआ है? सीढ़ियों से गिर गया था। ओहो, अच्छा। बबलू जी, आज मैं गुस्सा नहीं करूंगा, आज मैं चिल्लाऊंगा भी नहीं। अच्छी बात है, क्या होगा गुस्सा करके। कल मैं एक साधु बाबा के पास गया, उन्होंने मुझे जीवन आराम से जीने का एक आसान सा मंत्र बताया है। अब मैंने गांठ बांध ली है। क्या गांठ? नॉट, यही तो बात कर रहा था मैं। अच्छा हुआ कि क्या लाए हो आज? पकोड़े लाए हो? लीजिए पकोड़े, ली खाओ बेटे, पकोड़े खाओ। 3 लोगों के लिए 2 पकोड़े लाए हो। अरे मैं क्या हवा खाऊं? तुम्हारे स्कूल में तो वैसी हवा खा रहा हूं मैं। एक पंखा दिया हुआ है पूरे स्कूल में, हर क्लास में एसी है, बस मेरी क्लास में पंखा दिया हुआ है जो चलता नहीं। सुबह मैं आता हूँ, डंडे से खुद पंखा घुमाता हूँ, तब जाके पंखा चालू होता है। कई बार तो मैं इलेक्ट्रिशियन भी अपना लेके आता हूँ। स्कूल के टीचरों को लगता है मैं ही इलेक्ट्रिशियन हूँ, तो मुझे फोन करके कहते हैं मेरे घर का बल्ब नहीं चल रहा, मेरे घर का एसी नहीं चल रहा, मेरे घर का माइक्रोवेव नहीं चल रहा। अरे तो मैं क्या करूं, थप्पड़ मारूं अपने दो? आप मुझसे पूछ रहे थे ना कि मेरे हाथ को क्या हुआ, मैं कहीं नहीं गिरा, मैं तो सही चलता हूँ, इसकी वजह से मैंने अपना हाथ काट लिया है। स्कूल के हर टीचर को बोल रखा है कि बबली सर को छुआछूत की बीमारी है। किसी भी टीचर के पास जाओ तो कहता है सर आपको छुआछूत है। अरे छुआछूत 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 तुम्हारी माँ की। मेरी बीवी को लगता है मेरा किसी के साथ लफड़ा चल रहा है, इसलिए मैंने हाथ काट लिया है। अरे उसी से प्यार करता हूँ, उसको कैसे बताऊँ, मुझसे बात नहीं कर रही वो। इस हाथ से मैं अपना पिछवाड़ा धोता था, लेकिन अब नहीं धुल रहा है मुझसे, टेढ़ा करना पड़ता है नीचे, पता है ना कैसे धुलता है, मुझसे नहीं हो रहा बेटे। ये सुई देख रहा है, ये चुभती है नीचे। आजकल फुटबॉल का वर्ल्ड कप चल रहा है, तो मैंने अपने सारे बच्चों से पूछा बेटा तुम्हारा फेवरेट सीजन कौन सा है। कोई कह रहा है स्पेनिश लीगा, कोई कह रहा है यूरो कप, ये कहता है बुंडेसलीगा। मैंने कहा चलो ठीक है, सबकी अपनी चॉइस है। तो मैंने किसी और बच्चे से पूछा तो फिर खड़ा हो गया, कह रहा बुंडेसलीगा सर, बुंडेसलीगा। मैं समझ गया क्या करूं। आजकल हमारे स्कूल में सेक्स एजुकेशन को बहुत इम्पोर्टेंस दी जा रही है, लेकिन हमारे भोले प्रिंसिपल को ये नहीं पता कि ये उसमें पहले ही डिप्लोमा कर चुका है। तो हमने सारे बच्चों से पूछा कि बेटा अगर किसी मेडिकल स्टोर में जाओगे तो कैसे प्रोटेक्शन मांगोगे। ये ऐसी बात कर गया जिसको सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तुम बताओगे या मैं बताऊं? तुम ही बताओगे। मेरे शहजादे के लिए शेरवानियां दिखाओ, शहजादे के लिए शेरवानियां दिखाओ, शहजादे के लिए शेरवानियां दिखाओ। अरे संगीत सेरेमनी चल रही है क्या यहाँ पे? सॉरी सर। बबलू जी मैं गरीब आदमी हूँ, स्कूल अपने स्कूटर पे आता हूँ मैं। उस दिन बारिश में मेरा स्कूटर खराब हो गया, तो ये अपने दोस्तों के साथ मुझे मिल गया। इसने मुझे कहा सर मैं धक्का दे दूँ, मैंने कहा बेटा थोड़ी सी दे दूँ मुझे मदद हो जाएगी। इसने मुझे ही धक्का दे दिया, इसने मुझे धक्का दे दिया, मैं मुंह के बल कीचड़ में गिरा। गलती से लग गया बच्चा। अरे पल पल के मरने से अच्छा है मेरे यहाँ गोली रख चला दे, खत्म करना मार डाल। अरे हम तो आज आपको यही बताने आए थे कि ये इस स्कूल को छोड़ के दूसरे स्कूल में जा रहा है। हाँ कौन से स्कूल में? इधर बगल में ही है सेंट मैरीज। हाँ
अरे उसमें तो मैं जा रहा हूँ अगले महीने पढ़ाने, इसी से तो तंग आके मैं उस स्कूल में जा रहा हूँ। मैंने यहाँ से इस्तीफा दे दिया है। बबलू जी ऐसा मत करिए। बेटा ऐसा मत कर, बेटा ऐसा मत कर। नमस्ते। हेलो सर। तो बबलू जी कैसे हैं आप? ये बंदूक, अरे घबराइए मत, ये आपके लिए नहीं है, ये तो मेरे लिए है, ये लीजिए। नहीं 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 चलाइए, नहीं 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 चलाइए, आज फैसला हो जाने दीजिए, या तो आज मैं जाऊंगा या मेरी लाश। लीजिए लीजिए लीजिए। नहीं 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 नहीं, अरे चलाइए ना, लाइए दीजिए, लो तुम चलाओ। नहीं सर। अरे चलाओ ना सर। नहीं, अरे मैं कह रहा हूँ ना चलाओ। नहीं सर, तुम्हारे मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे, चलाओ यहाँ मारना। अरे ये तो सही में मारने की सोच रहा है, खाली बंदूक है, ये तो मेरा भेजा उड़ा देगा। लाओ दो। और कैसे हैं आप? बस कट रही है जिंदगी, आप कैसे हैं? कट रहा है मेरा, सुबह शाम सिर्फ कट रहा है। कटा कट। एक महीने की छुट्टी पे गया था, दिल खुश हो गया, नाराज बीवी भी मान गई और बच्चों को अपना पुराना वाला बाप भी मिल गया। लेकिन फिर पता चला मैं तो साला अपनी ही कब्र पे मून वॉक कर रहा हूँ। मुझे पता था स्कूल खुलते ही मेरा इससे सामना होगा, बड़ी मुश्किल से मैं। आगे क्या लाए हो आज? हाँ? रसगुल्ले लाए हो? ओह नो। अच्छा, किस खुशी में? दूसरी शादी हो गई? अच्छा, दूसरा छेद कर दूंगा, भाग जा यहां से, फटाफट भाग जा। मैं कह रहा हूं भाग यहां से। दूसरी शादी करके बैठा है यहाँ पहले में ही? खैर छोड़िए, बबलू जी मैं लाइफ में सिर्फ दो लोगों से डरता हूँ, एक अपनी बीवी से और एक इससे। अब क्या किया इसने? अरे पिछले हफ्ते मैं अपनी बेटी के साथ मार्केट गया, ये पता नहीं कहाँ से आ गया, मेरी बेटी को गोद में उठा के कहता, अरे मुन्नी चल मैं तुझे पाकिस्तान छोड़ के आता हूँ। वो मासूम 7 साल की बच्ची भी हाथ ऊपर करके मामा। सॉरी सर। अरे क्या सॉरी, पुलिस को आना पड़ा वहाँ पे, अपनी बेटी का बाप होने का सबूत देना पड़ा मुझे उनको। और उस दिन मैंने इससे पूछा कि तेरी मदर टंग क्या है, तो कहता है, अरे ये कोई मदर टंग होती है क्या? ये कोई मदर टंग होती है क्या? किसी भी सवाल का जवाब सीधा नहीं देगा, उल्टा ही देगा। उस दिन मैंने सारे बच्चों से पूछा कि दुनिया की सबसे गर्म जगह कौन सी है, कोई कह रहा है सूडान, कोई कह रहा है सहारा, ये कहता है मुन्नी का कोठा। मुन्नी का कोठा? अरे इस उम्र में बच्चे पढ़ते हैं फ्रांस का राजा, इजिप्ट का राजा, ये पढ़ता है ये राजा, अंदर तो आजा, शैतानियां तो करता रहता है। ये और इसके दोस्त प्रिंसिपल को बोल के आए कि पब्लिशर क्लास में आते ही खड़ा कर देते। सर हमारा वो मतलब नहीं था। अरे तो पूरा बोलो ना, बोलो कि हमको खड़ा कर देते हैं, वो मुझे होमो समझ के चिपकने लगा, इसलिए तो मैं एक महीने की छुट्टी लेके भाग गया। उम्र सारी। ये रही इसकी मैथ्स की आंसर शीट। What happens when two or more lines intersect each other? लिखा है ऑर्जी। ऑर्जी? ट्रायंगल को थ्रीसम और रेक्टेंगल को फोरसम लिखा हुआ है। क्या? अरे इसकी शादी क्यों नहीं करा देते आप? शादी? बेटा शादी कर ले, 5 साल में पूरी क्रिकेट टीम तैयार करके देगा, वो अंडर 19 जीत के आएगी, मैं लिख के देता हूँ आपको। बड़ी मुश्किल से फेसबुक पे आया था, इन लोगों के घर से जस्टिन बीबर की फोटो लगा रखी थी, लेकिन ये लोग अलग अलग नाम से मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने लगे। सर मैंने नहीं भेजी। तुम नहीं थे? हवस का पुजारी, नशीली मुनिया और एक और था वो बेंचो। अरे बंछोड़ दास छतरी वाला, वो तो इसका दोस्त है, अगले महीने वो भी एडमिशन लेने आएगा, वो इसको सुधार देगा, दोनों साथ मिलके पढ़ेंगे, आप फिक्र मत कीजिए। क्या सोच रहे हैं सर? मेरी माँ अगर आज यहाँ पे होती तो अपने बच्चे की हालत देख के रो पड़ती।
क्या कर सकते हैं, ऊपर वाला उनकी आत्मा को शांति दे। अरे जिंदा है, गाँव गई है यार। सॉरी आप मुझे अकेला छोड़ दीजिए जाइए, आप प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए जाइए। जारी 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 जारी। बैठिए। नमस्ते। हेलो, कौन है ये? ये बंछोड़दास छतरी वाला है, आपको बताया था ना इसका एडमिशन कराना है, भुवन का दोस्त है। क्या नाम है तुम्हारा? इन्होंने अभी तो बताया। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ तुम्हारा नाम क्या है? बंछोड़दास छतरी वाला। सर क्या खा रहे हो? च्युइंगम। च्युइंगम खा रहे हो? मेरी क्लास में थूक क्या हो? ये हैं आजकल के बिगड़े हुए बच्चे, इन्हीं को तो सुधारना है। अरे बेटा सर कह रहे हैं तो थूक दे, ये बहुत अच्छा लड़का है, आने वाले टाइम में आप अपने सभी स्टूडेंट को इसकी मिसाल देंगे। अगर अच्छा स्टूडेंट है तो पिछले वाले स्कूल से क्यों निकाला इसको? पता नहीं, वो तो एक सेकंड। हेलो, हाँ जी। तो कौन से सब्जेक्ट में स्ट्रांग हो? बायोलॉजी बेंच। तमीज से बात करो मुझसे बंछोड़दास। ओ सर, तमीज की ना बेंच, बत्ती बनाओ और अच्छा बताओ हमारी बॉडी में कितनी हड्डियां होती हैं? 207। 206 होती हैं। सुबह 207 हो जाती है बहन। तुम्हारी मैथ्स बहुत वीक है और आपकी फैक्स मशीन खराब है बेंच सर। ओह नो। 9 की टेबल सुनाओ। 9 बेंच, 9 × 2 = 18 बेंच, 9 × 3 = 26 बेंच। अरे 9 × 3 = 27 होता है और ये क्या बेंचो बेंचो लगा रखा है मेरे स्कूल में? आदत है सर मेरी बेंच। फिर च्युइंगम खा रहे हो? अरे ये स्कूल है, तुम्हारे दोस्तों का अय्याशी खाना नहीं है, यहाँ अपने रूल्स हैं, अपनी रेगुलेशंस हैं, मेरे हिसाब से चलो। 6 की आपकी बेटी है ना बेंच? तो बीबी ने तो बस कहा था कि मैं पाकिस्तान छोड़ के आता हूँ, मैं सही हूँ छोड़ा हूँ, बहुत हरामी हूँ। धमकी दे रहे हो मुझे? ग्रीन फील्ड स्कूल में पढ़ती है, सुबह 7 जमुना दास की दुकान से बस पकड़ती है बेंच और 12 स्कूल की छुट्टी हो जाती है बेंच। बबलू जी सॉरी ऑफिस से फोन था जी। अरे तू फिर च्युइंगम चबा रहा है, सर ने कहा था ना फेंक दे। सर ने कहा कि खा सकते हो। क्यों सर? हाँ अच्छी है, खाओ, प्रोटीन मिलता है, कार्बोहाइड्रेट भी है। अच्छा ला मुझे। इसका जनरल नॉलेज का टेस्ट लेते हैं, कोई भी 3 कार्निवोरस जानवरों के नाम बता दो। शेर, शेर की बीवी, शेर का बच्चा, शेर का दोस्त। बेटा क्या बोल रहा है? अरे सही बोल रहा है, शेर की मौसी, शेर का फूफा, शेर की फूफी, शेर का पूरा खानदान कार्निवोरस है। कितना होनहार लड़का है। कितने प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम में? मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। प्लूटो अब प्लेनेट नहीं रहा। 7 का स्कूल, 12 की छुट्टी। अरे हाँ प्लेनेट तो है, छोटा सा गोल है, ठंडा सा एकदम। एक सेकंड। हेलो, हाँ जी। अरे वो मासूम सी बच्ची का क्या कसूर है यार, तुम्हें मुझसे क्या दिक्कत है? सबके माँ बाप को बुला के चुगलियां करते हो बेंच, रोज का रंडी रोना लगा रखा है। तुम्हें पिछले स्कूल से क्यों निकाला था? एक टीचर थे, उन्होंने मुझे दिवाली पे पटाखे फोड़ने से मना कर दिया स्कूल में, उनके पैंट में 5,000 की लड़ी लगा दी, भागते रहे पूरे स्कूल में। पर माँ बाप को तो बताना जरूरी है ना उनका बच्चा क्या गोल खिला रहा है स्कूल में। हद हो गई यार, दिन रात चिरांतों जैसी शक्ल लेके घूमते रहते हो, तुम्हें घर बीवी तुम्हारी परेशान नहीं होती, तुमसे बच्चे परेशान नहीं होते तुमसे? बेंच क्या यार, वकालत करनी पड़ रही है तुम जैसे आदमी की यार, तब पढ़े लिखे हो गए, बैन लुल्लो वाली बातें करते हो तुम। क्या बेंच, क्या दिक्कत है बच्चों से तुम्हें यार, 2 बाद कोई पूछेगा नहीं तुम्हें ना, तुम याद रखोगे उनको। हमारे साथ हाथ मिला लो यार, रोज के मजे देंगे, रोज के मजे, चाय पियेंगे टपरी पे बैठ के, महंगी वाली बीड़ी फुकवाएंगे आपको। मुझे अस्थमा है यार। यार आप टेबल्स पूछो बेंचो, भाई को MBA करनी है। तुम करोगे MBA?
सात बजे का स्कूल, बारह बजे हो जाएगी बेटा, प्यार से करेगा ना, दिक्कत नहीं है कुछ, थोड़ी मेहनत कर ले हो जाएगी बस। आज की टेबल सुना दे, हैं? छह की सुना दे, हैं? अरे दो की सुना दे यार। बबली जी थोड़ी अर्जेंट कॉल थी। अच्छा है, दिमाग बहुत सॉलिड है बेटा। वन की टेबल सुना दे। एक इक्कम एक, एक दुनी दो, एक तिया तीन, एक चौके चार, वाह, एक पंजे पांच, एक छक्के छः, एक सत्ते सात, एक अट्ठे आठ, एक नौ नौ, एक दस। नमस्ते सर, बैठो, बैठिए। कौन है ये? चाचा जी। नमस्ते, कैसे हैं आप? कुछ लेंगे? चाय, कॉफी? कुल्फी, कुल्फी, कुल्फी। अभी कुल्फी रहने दो चाचा। ये बोलते नहीं? बोल नहीं सकते, गूंगे हैं, तभी लाए हो। खैर छोड़िए मिस्टर, नाम क्या है आपका? इनका नाम क्या है? समीर फूडी। फूडी मिस्टर फूडी, आपको तो पता ही होगा अगले महीने से फाइनल टर्म पेपर शुरू हो रहे हैं। मुंडी हिला सकते हो? हाँ कि ना? चाचा मुंडी हिला दो। अगले महीने से फाइनल टर्म के पेपर शुरू हो रहे हैं और इसने अभी तक पढ़ना शुरू भी नहीं किया है। पूरा दिन स्कूल के ग्राउंड में क्रिकेट खेलता रहता है। मेरी क्लास ग्राउंड फ्लोर पे ही है, विकटों के जस्ट पीछे, तो जान पूछ के पीछे वाला डेविलियर वाला शॉट मारता रहता है। सर मैं नहीं मारता, बनछोड़ दास मारता है। तुम्हारा वो बनछोड़ दास तो एक नंबर का हरामी है। मन करता है कान के नीचे दो चपेड़ लगाऊं। क्या हुआ इनको? रॉक के बहुत बड़े फैन है, रॉक के। वो बनछोड़ दास किसी दिन हाथ लग गया तो पिटेगा। If the summer, the rock is cooking. Oh no! इन बच्चों ने तो हद ही मचा दी है। कैंटीन में मेरे नाम का बिल फाड़ते हैं। उनको 5,000 रुपए देने हैं मुझे। घर जाके बीवी को बताया तो कहती तुम्हें मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं आता जो कैंटीन में खाते हो। मैंने कहा अरे मेरी लाली, खाना पसंद नहीं आता तो रोज डिब्बा कैसे खाली मिलता है? मेरा भूत खाता है। उस दिन घर गया तो मेरा टेस्ट लेने लगी कि आलू की सब्जी कैसी बनी थी। अब कभी कभी याद नहीं रहता तो बोल दिया ठीक बनी थी। कहती आलू की नहीं भिंडी की बनी थी। तुम फेंक देते हो खाना, जबरदस्ती टट्टी करके उसको दिखाया, वो देखो भिंडी तैर रही है, तब जाके मानी। हम कहाँ थे? कैंटीन। कैंटीन में 5,000 रुपए देने हैं मुझे उनको। सर मैं नहीं खाता कैंटीन से, बनछोड़ दास खाता है। मेरा बस चले तो उसको धक्के मार के बाहर निकाल दूं। चौदह फरवरी को स्कूल क्यों नहीं आए? सर शादी में गया था। अब जब फाइनल का रिजल्ट आएगा ना तो उसमें तेरी बारात निकलेगी। गर्लफ्रेंड के साथ गए थे? बोल दो, क्या शर्माना, सारी शर्म तो बेच खाई। बोलो। हाँ। किस लिए? बहुत। अरे क्यों, किस लिए? फिल्म देखने। कौन सी? सनम रे। तुझे पास होने में लग जाएंगे 10 जन्म रे सनम रे। तुम्हारा वो दोस्त बनछोड़ दास भी नहीं आया, कहाँ था? वो भी मेरे साथ था। तुम दोनों के बीच में वो क्या कर रहा था? वैसे भी उसकी गर्लफ्रेंड तो बन ही नहीं सकती, अकेला ही रह जाएगा जिंदगी भर। बस बहुत हो गया, तब से देख रहा हूँ ये आदमी मेरे भाइयों की बेफती कर रहा है। मिरेकल, मिरेकल, मिरेकल। बोल पड़े चाचा जी, बोल पड़े चाचा जी, बोल पड़े, बोल पड़े। भाइयों? मैं इनका हाहा नहीं हूँ, भाई हूँ। हाहा? ये च को ह बोलता है और स को फ। भाई हो? बेंचो का कजिन है समीर फुद्दी। माय ग्रैंडफादर लव फुद्दी। इतना बड़ा झूठ, अभी प्रिंसिपल को बताता हूँ। अपनी टट्टी भी उन्हीं से धुलवाते हो क्या? खुद कुट नहीं कर सकते, वह संभाल नहीं सकते और टीहर बनेंगे। और तू सनम रे देखने क्या था? पागल होती है, डेडपूल देख के आता। उसका सुबह का शो हाउसफुल था। अरे बहुत फाइन मूवी थी, उसमें वो एजी रोमांटिक सी थी, पता नहीं मैं कैसी थी। अरे क्या बातें चल रही हैं यहाँ पे? हाँ? मुझसे ऐसे बात मत करो। बुन में नहीं कूदा तो बीह में काहे कूदा। और खूब बोलना है। फिजिक्स के एग्जाम में इनसे एक सवाल पूछा कि एक्सप्लेन ग्रेविटी विथ एग्जाम्पल्स। बाकी सबने न्यूटन और एप्पल वाला एग्जाम्पल दिया। इसने लिखा ग्रेविटी इज लाइक अ कुदरत का करिश्मा। When we sit to shift, the lander drops in like a bomb
एंड वाटर स्प्लैशेज ऑन द बट हुल्ले हुल्लारे हुल्ले 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 और इसका वो दोस्त बनछोड़ दास और आपका भाई उसने लिखा ग्रेविटी इज आज मैं ऊपर आसमा नीचे तो अरे आसमा इनके क्लास में पढ़ती है लड़की दोनों चिपके रहते हैं पूरा टाइम पहले के जमाने में बहुत बड़ी पनिशमेंट होती थी लड़का लड़की को साथ बिठा देते थे आजकल ऐसा करो तो दोनों की आंखें चमकने लगती हैं जैसे रोका फिक्स कर दिया हो लड़का लड़की नहीं हिपकेंगे तो कौन हिपकेगा तू और प्रिंसिपल अरे कोई उम्र भी तो होती है अफेक्शन अट्रैक्शन और मास्टर बेफन कि कोई उम्र नहीं होती चलते हैं सॉरी सर और कोई हुगली करनी है हेलो 24 नंबर में चाय भेज दो क्यों अरे दे दूंगा 5,000 यार कहीं नहीं जा रहा मैं आ जा बबली सर कौन हम हैं बैठिए बैठ गए बैठ ये बैठ गया ये आज मैं आपसे ऐसे ही बात करूंगा पर हुआ क्या इससे पूछिए क्या हुआ ये किसको सेंड हो रहा है नहीं बबली सर को सेंड हो गया अबे तुम चूतिया वो सीक्रेट कोड था जो बबली सर को सेंड हो गया सॉरी सर अरे एक तो तेरा सॉरी और केजरीवाल का ऑड इवन मुझे समझ नहीं आता अरे पर मुझे तो बताइए क्या हुआ अरे अपने टीचर को कोई ऐसा मैसेज भेजता है क्या आपको पता है मुझे दिन के कितने मैसेज आते हैं बच्चे कहते हैं सर यू आर रॉक सर यू आर बेस्ट टीचर यू आर मैनकाइंड एंजल और वही ये मैसेज कर रहा है कि तुम चूतिया हो मैं चूतिया हूँ सर कसम से किसी और को भेज रहा था गलती से आपको सेंड हो गया कितने कॉन्टैक्ट है तेरे फोन में 500-600 उन 600 कॉन्टैक्ट में से ऐसा मैसेज सिर्फ मुझे मिला नहीं सर अरे तुम क्यों तंग करते हो सर को फटे हुए ढोल जैसी हालत हो गई है इनकी अरे अगर मेरी बर्बादी चाहता है तो मुझे तंग कर मेरे बीवी बच्चों को तो मत घसीट अब क्या हुआ उस दिन मैं स्कूल में अपना फोन भूल गया साला जल जाता फट जाता टूट जाता लेकिन नहीं इनके हाथ लग गया मेरी बीवी को मैसेज कर दिया कि बबली सर चल बसे नहीं सर हमने लिखा था चल पड़े ऑटो करेक्ट हो गया होगा अरे नोकिया 3310 में ऑटो करेक्ट होता है क्या ये ऑटो करेक्ट क्या होता है अपने फोन में अगर कुछ गलत लिख दो तो वो अपने आप सही कर देता है अच्छा इसका मतलब तेरे फोन में खराबी है तेरे फोन में वो ऋतिक रोशन की वीडियो है ना उसका गलत नाम लिखा हुआ है बैंग बैंग को गैंग बैंग लिखा हुआ है उसको ठीक करो बेटे कर दूंगा घर गया तो वहां मातम का माहौल था मेरी तस्वीर पे हार लगा के छाती पीट पीट के रो रहे थे मेरे घर वाले मैं जब अंदर गया तो मेरे बच्चे मुझे देख के भूत 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 चिल्लाने लगे मेरी बीवी चूड़ियों वाले हाथ मेरी छाती पे मारने लगी सारी टूट के घुस गई सीने में कितना तंग करेगा तू मुझे पानी पीता हूं तो छाती से फवारे निकलते हैं आप इसको बाल कटाने के लिए नहीं बोलते सुनता नहीं है अरे इसने स्कूल में आतंक मचा दिया है बाल खोल के गर्ल्स टॉयलेट में जाके पेशाब करता है ये सर जब बॉयज वाला फुल होता है तभी जाता हूँ और कोई लड़की भी नहीं होती वहाँ पे चुप करो उस दिन कुछ लड़कियां टॉयलेट से चिल्लाते भागी कि ये कौन लड़की है जो खड़े होके हल्की हो रही है बाद में पता चला कि ये था हर 5 मिनट में पेशाब करना होता है इसको और जब मना कर दो तो धमकी देता है कि यही मुद दूंगा और साथ में 3-4 लड़के भी ले जाता है जब वापस आते हैं तो सबके बाल सेट एकदम गीले हुए हुए कोई बैकअप बना हुआ है कोई जॉनी डेप बना हुआ है अरे छोटे छोटे बच्चे इनको देख के पफ बनाने लगे बालों में साला स्कूल है की एक्टिवी नादान बच्चा है छोड़िए अब मुहे कल नहीं आवे परसों केमिस्ट्री क्लास में क्या हुआ बताना टेस्ट ट्यूब होती है ना जिससे एक्सपेरिमेंट करते हैं उसको ये क्या बुलाता है बताना जरा बताओ कांच का कॉन्डम अरे पूरे स्कूल में बात फैल गई कि ऊपर केमिस्ट्री लैब में कांच के कॉन्डम में एक्सपेरिमेंट होते हैं एक बच्चा तो हॉस्पिटल में है क्यों अरे कांच का कॉन्डम टेस्ट ट्यूब पहन रहा था टूट गया
बायोलॉजी लैब में क्रिकेट खेलते रहते हैं, स्केलेटन की हड्डियां निकाल के विकेट बनाते हैं। उस दिन मैंने बोला कि प्रिंसिपल राउंड पे है, सारी हड्डियां अपनी जगह लगा दो। गुड बेटा गुड। तो सबसे बड़ी वाली हड्डी टांगों के बीच में लगा दी। प्रिंसिपल मुझसे पूछता कि ये स्केलेटन अफ्रीका का है क्या? पढ़ाई तो करता रहता है पूरे दिन, कल भी लगा हुआ था। अच्छा क्या पढ़ रहे थे कल? अमेरिकन हिस्ट्री। हु वॉज द फर्स्ट लेडी ऑफ अमेरिका? फर्स्ट लेडी ऑफ अमेरिका तब तो ये पैदा भी नहीं हुआ था। एक सेकेंड, तब तो मैं भी पैदा नहीं हुआ था। अरे आप भी पैदा नहीं हुए थे। पब्लिक सर कैसे सवाल पूछ रही, बच्चों से डर जाएंगे बच्चे। पापा प्रेसिडेंट की बीवी को फर्स्ट लेडी कहते हैं। अच्छा 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 अच्छा, सॉरी 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 सर, नहीं पता। लुई द 15th की कितनी बीवियां थी? मम्मी पापा ने सिखाया है कि किसी के पर्सनल मैटर में दखल नहीं देते। गुड बेटा, प्राउड फादर ऑफ मेल सन। बैटमैन का असली नाम क्या है? ब्रूस वेन। सुपरमैन का? क्लार्क केंट। स्क्वायर रूट ऑफ 9। सलमान की अगली फिल्म कौन सी आ रही है? सुल्तान। शाहरुख खान की? रईस। वॉल्यूम ऑफ कौन? बोर्ड का शॉट के साथ क्या करते हैं? बॉटम्स अप। शराब का नशा कैसे उतरता है? नींबू चाट के। लाइम वाटर का फॉर्मूला? H2S। हराम ज्यादा डंडा का है मेरा। नहीं पता। फिल्मों के नाम याद है, एक्टरों के नाम याद है, हीरो के नाम याद है, नशेड़ियों वाली सारी आदतें पता है, लेकिन पढ़ाई के बारे में कुछ नहीं पता। पिछले एक महीने से बोल रहा हूँ कि बेटा पढ़ लो, पर नहीं, आफ्टर बोर्ड पार्टी की तैयारियों में लगे हुए हैं। दो वेज स्नैक रखवा देंगे, दो नॉन वेज रखवा देंगे, कपल एंट्री करा देंगे, टैग एंट्री पे 1000 रुपए दे देंगे। अरे शादियों के ठेके ले लो ना यहाँ पे दिल्ली में। मुझसे कहते सर आपके लिए स्पेशल बूज रखवाएंगे। मैंने कहा भूस क्या होता है? तो कहते क्या? अरे एग्जाम में कुछ लिखा है या नहीं लिखा? हाँ सर एग्जाम अच्छा हुआ है। वो तो वक्त ही बताएगा कि कितने झंडे गाड़े हैं एग्जाम में। चलो घर चलो। जाइए आप, जाइए आप, अपना गुस्सा थोड़ा शांत कीजिए। कैसे? आज घर जाके वाइब्रेटर क्या दिखा? वाइब्रेटर। ये वाइब्रेटर ना जाने मेरी जिंदगी में कैसा तूफान लाने वाला था। घर पे छुपा नहीं सकते, इसीलिए मैंने आइडिया दिया कि क्यों ना इसको दफना दें। लेकिन ये हरामी कहता है दफनाया तो इंसानों को जाता है, और अगले दिन स्कूल ले आया। स्कूल में कौन लेके आता है वाइब्रेटर? फिर क्या होना था? बबली सर ने पकड़ लिया और अगले दिन आजा। बबली सर, सर ये क्या हुआ? ये कैसे हो गया? स्कूटर से गिर गया था। तो आज आए क्यों आप? छुट्टी ले लेते। मन नहीं लग रहा था घर पे तो आ गया। अच्छा अच्छा, अच्छा। इसीलिए क्या लाए हो आज? सेब लाए हो? लाओ दो। सर मुंह से मास्क तो हटाइए। क्या है? अरे सेब है, खिलौना है, देख के लाना चाहिए ना। पहले ही मेरे पूरे बदन में दर्द है, ऊपर से अब ये दांतों में भी शुरू हो गया। मेरी जान के दुश्मन है ये कैंटीन वाले। उस दिन मेरे सैंडविच में से कंचा निकला, कंप्लेंट करने गया तो खुशी मनाने लगे कि कंप्यूटर लैब की खोई हुई माउस बॉल मिल गई। अरे मैं वो गलती से निगल जाता तो पता है क्या होता? 3 बॉल्स हो जाती, ऑपरेशन कराना पड़ता। क्या बोल रहा है? बेटा चुप कर, सर आप शांत हो जाइए प्लीज। अरे कैसे शांत हो जाऊं, मेरा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, इसी की वजह से पट्टी और ऑक्सीजन मास्क लगा है। कौन मैं? हाँ तुम। बस तुम? ओफो। मुझे कल नहीं आ रहे। सॉरी, आप कुछ बता रहे थे। ये और इसका बनछोड़दा स्कूल में ये ले आए। पापा खिलौना है, टॉय है। अरे ये कौन से बच्चों वाले खिलौने लाते हो तुम स्कूल में? बच्चों का खिलौना नहीं है, बड़े खेलते हैं इससे बिस्तर में। लूडो? लोडू है। वाइब्रेटर है। वो क्या होता है?
मुझे बहुत शर्म आ रही है, तुम समझाओ। पापा राइनोसॉरस होता है ना, उसका सींग है। अच्छा, लेकिन बेटा ये किसी को इधर उधर लग गया तो चोट लग जाएगी। अरे किसी ने इसको छू लिया तो पूरे बदन में रोंगटे खड़े हो जाएंगे। महिलाएं इस्तेमाल करती हैं इसका। जब सैया टूर पर जावत है तो प्रेमी का मन ही मन मुस्कुरावट है, कुंडी लगा के चटकने घुमा के ई सहेली काम में आवत है। क्या सेक्स टॉय है। उस दिन इन्होंने मेरी कुर्सी पे इसको ऑन करके रख दिया। मैं जब क्लास में आके बैठा तो मेरी आंखें अपने आप बंद हो गई। बबली जी, मैं इस दस्तर की कसम खा के कह रहा हूँ, मेरे पैरों से जो रोंगटे खड़े होने शुरू हुए हैं, मेरी छाती के बालों पर आके रुके हैं और मुंह से एक ही आवाज निकली है, वाह। इसको लेके कंप्लेंट करने में वाइस प्रिंसिपल के रूम में गया तो वो अपने होंठ चबाने लगी। मेरी फटके चार हो गई तो मैंने मजबूरी में इसको अपने बैग में डाल लिया। घर गया तो टिफिन निकालने के लिए बीवी ने बैग खोला, टिफिन निकला, ये भी निकला, मुझे खोल दिया। गरम गरम तवा यहाँ फेंक के मारा है। मेरे अपने खुद के बच्चे उसके सपोर्ट में कार्डबोर्ड पे गो मॉमी लिख के चीयर करने लगे। सारी रात घर के बाहर सोया हूँ, सुबह उठ के सीधा हॉस्पिटल गया, वहाँ से पट्टी करा के डायरेक्ट यहीं आया हूँ। सर मैं इसकी तरफ से माफी मांगता हूँ, पर 2 साल बचे हैं, उसके बाद ये आपका पीछा छोड़ देगा। इसकी मार्कशीट देख के ऐसा नहीं लगता, मैथ्स को छोड़ के बाकी सारे सब्जेक्ट में 100 में से 30 नंबर है इसके। बस बाबा एटलीस्ट मैथ्स स्ट्रांग है, मैथ्स में 31 हैं। सर स्टेप्स के तो मार्क्स दे देते। अरे डांस इंडिया डांस में आया है क्या, जो स्टेप्स के मार्क्स चाहिए स्टेप से याद आया। आजकल इन्होंने मेरी क्लास में नया ड्रामा शुरू किया है। मैं जैसे ही कुछ लिखने के लिए ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ता हूँ तो पीछे से चिल्लाते हैं, अंडमंड का टोला जूना नाचा पैन का नाचा। पापा वो मैं नहीं करता, वो दूसरे लोग करते, तो मजबूरी में नाचना पड़ता है। सर इसको पास होने लायक नंबर दे दीजिए इस बार। पास होने के लिए 40 नंबर चाहिए, मैं किस बात के 10 नंबर बढ़ाऊं। हैंडराइटिंग के, तेरी आंसर शीट चेक कराने के लिए मैं केमिस्ट के पास जाके बैठता हूँ, क्योंकि डॉक्टर की हैंडराइटिंग तो उन्हीं को समझ आती है। क्रोसिंग खा खा के इसका पेपर चेक करता हूँ मैं। तो इसको डॉक्टर बना दे। बबलू जी मैं आपको आज एक इजाजत देता हूँ, जिस दिन ये डॉक्टर बन गया आप मेरे घर आके मेरी ही गांड में से मेरा दिल निकाल के बेच देना। इसको डॉक्टर बनने का बहुत शौक है यार, तेरे फोन में वो वीडियोस नहीं होती डॉक्टर वाली जिसमें वो गंजा सा डॉक्टर है, और इंग्लिश में तेरे इतने कम नंबर कैसे रह गए बेटा, तेरी तो इतनी अच्छी है इंग्लिश। वेरी डिसहैप्पी बेटा। हिंदी के एग्जाम में मित्र का पर्यायवाची लिखना था, इसने लिखा है भोसड़ी वाला, और सूरज का लिखा है पांचोली। अरे टीचर्स डे आने वाला है, बच्चे मुझे प्यारे प्यारे मैसेज भेज रहे हैं, गुलदस्ता भेज रहे हैं, चॉकलेट भेज रहे हैं। सर हमने भी तो आपको पेन दिया है। अरे मेरे स्कूटर का साइड मिरर बेच के खरीदा है, आपको पता है। अंडमंड का टोला जो ना नाचा पैन का। ओए ओए पापा चलो, पापा चलो, क्या क्या सर 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 बैठ सर। भाई साहब बबली सर कहाँ है? आप बबली सर को बुलाइए, हमें उनसे मिलना है। तुम लौकी की सब्जी बना दो, दोपहर में खा लेंगे। हाँ अबे ओ बबली सर को भेज, चल तमीज से भाई, पिटना है। हाँ हाँ मैं देखता हूँ। अरे भाई तुम्हें बात समझ नहीं आ रही, बबली सर कहाँ है? पापा चलो ये कोई प्यून होगा। पीएन ही था पहले मैं स्कूल का, जब से टीचर बना हूँ बर्बादी के बादल छा गए हैं। बबली सर आप बैठिए, बैठो। ये हेलमेट क्यों पहना है? आप बताइए हेलमेट कौन पहनते हैं? बैट्समैन। ओह नो। और विकेट कीपर, लेकिन जब विकेट के पास खड़ा हो। और शॉर्ट लेग क्रिकेट के अलावा? राजू ने पहना था। राजू? राजू शाम बाबूराव जब कबीरा से मिलने जा रहे थे सेम पहना था। अरे जनरली कौन पहनता है? बाइक वाले, बाइक वाले, बाइक वाले। ओ हाँ हाँ हाँ, लेकिन वो तो बाइक चलाते हुए पहनते हैं, आपने अभी क्यों पहना हुआ है? ताकि मेरे बीवी के भाई मुझे पहचान ना सके। मतलब आपने वो नई खबर तो सुनी होगी। क्या लाए हो? खिचड़ी लाए हो? एक काम करो, यहाँ पे बिस्तर लगवा दो, 2-3 नर्सें भी लगवा दो, वो घूमती रहेंगी तो एकदम हॉस्पिटल वाली फील आएगी। टीचर को कोई खिचड़ी खिलाता है? मैं जब भी दूसरी क्लासरूम के सामने से गुजरता हूँ तो टीचर खा रहे हैं पास्ता बर्गर, वो भी महाराजा मैक, और मैं कैंटीन में फोन करूँ तो बोलते हैं प्लीज कॉल बैक। सारा सिक्योरिटी गार्ड तक नूडल खींच रहा होता है। अरे तो अब हमारे घर पे आइए ना, इसकी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है। कल क्या बनाया था? भिंडी। हाँ भिंडी की सब्जी बनाई थी, और साथ में गरम गरम रोटियां, उसके साथ लस्सी और गाजर का हलवा। आहा हा, उसी का फोन आ रहा है, एक सेकंड। हेलो। हाँ अरे आज खाने में क्या बना रही हो? हम बबली सर को साथ लेके आ रहे हैं।
क्या बनाए? खिचड़ी। लेकिन क्योंकि मेरा पेट खराब है इसलिए ये डीमोनेटाइजेशन के चक्कर में 3 किलोमीटर लंबी लाइन में लगा रहा। जब 200 मीटर बचे थे तब पता लगा वो तो साला ठेके की लाइन थी। अगले दिन इसको भेजा कि मेरी आईडी ले जा और 4000 रुपए निकाल के ले आ, मेरी ट्यूशन है। गुड बेटा। ये देखिए क्या ले आया। अरे वाह नया नोट। ये क्या है? सोनम गुप्ता बेवफा है। अरे ये तो मैंने सुना हुआ है। अरे कल न्यूज में भी आ रहा था। अरे ये आपके लड़के ने लिखा है। लिखा तो अलग, इसने फोटो खींच के फेसबुक पे डाल दिया, वायरल हो गया, पूरी दुनिया में पता चल गया कि अब सोनम गुप्ता बेवफा है। अरे तूने लिखा है? अरे तूने मुझे बताया क्यों नहीं बेटा? तू तो फेमस हो गया। वर्मान कल मुझे मैसेज फॉरवर्ड कर रहे थे, सोनम गुप्ता मेरी बीवी है। क्या? अरे यही वाली सोनम गुप्ता मेरी बीवी है, इसने सोनम गुप्ता बेवफा है इस पे लिख दिया, फोटो खींच के फेसबुक पे डाल दिया, वो वायरल हो गया। मुझे रात के 3 बजे मेरे घर वालों के गांव से फोन आ रहे थे कि बेटा घर की बात आपस में निपटा लो, तमाशा मत बनाओ। मेरी बीवी के मायके से उसके भाई फोन करके धमकी दे रहे कि तेरा सर फोड़ देंगे। सर मुझे नहीं पता था ये इतना वायरल हो जाएगा। पंडित बुलाया हमने कल, नाम चेंज करवाने को बोल रही थी बेचारी, 30 साल की उम्र में नामकरण करेंगे अब उसका। क्या नाम सोचा? कुछ ऐसा जो फटाफट मुंह पे चढ़ जाए। मैगी, मैगी गुप्ता। तो फिर बच्चों का नाम ओरिगेनो गुप्ता और चिली फ्लेक्स गुप्ता रख देते हैं। कोई पूछेगा कहाँ रहते हो तो कह दीजिएगा शेजवान घराने का हो। ऐसा भी नाम नहीं चाहिए था, तुम नहीं सोच सकते ऑटो वाले नाम। तुम रहने दो, उस दिन हमारे स्कूल में एक सर्वे हुआ कि इस बार के एनुअल फंक्शन में किस सेलिब्रिटी को बुलाए। कुछ बच्चे कह रहे रणवीर सिंह को, कुछ कह रहे विराट कोहली को, ये कहता है रणी औरतों को। सर रैंडी ऑर्टन। वो कौन है? रेसलर है। डेंगू अवेयरनेस के लिए हमने सब बच्चों से मच्छर पैदा ना हो इसका उपाय पूछा। ये छूटते ही कहता है कि सर इतने छोटे कॉन्डम तो बन ही नहीं सकते। अरे मच्छर मारने की दवाई होती है, कूलर में गंदा पानी ना डालो, ये होते हैं उपाय। पर इसका दिमाग तो कहीं और ही चलता है। हर क्लास का हमने एक प्रीफेक्ट अपॉइंट किया है जो इन जैसे लॉन्डो को घसीट के मॉर्निंग असेंबली में लेके आए, लेकिन इन्होंने पता नहीं कौन सी दुकान से नकली प्रीफेक्ट के बैच बनवा लिए। आपको कैसे पता चला? क्योंकि उसमें परफेक्ट लिखा है गवार, प्रीफेक्ट नहीं लिखा। सुबह सुबह पूरा स्कूल भक्ति में लीन रहता है और क्लास में आके देखो तो यहाँ ये लड़कियों के साथ लीन ऑन पे नाच रहे हैं। और लड़कियों को पता नहीं क्या हो गया आजकल, यस की जगह यास लिखती हैं, यास और एज नहीं लिखती, एफ लिखती हैं। इतनी गलतियां बार बार हर जगह। सर वो एफ ही है, एज फक का शॉर्ट फॉर्म। ये कौन सी चुदक्कड़ ग्रामर है भाई? As fuck मतलब हद से ज्यादा, बहुत। शाहजहां erected many monuments, the best known of which is the Taj Mahal, which is beautiful as fuck. He cut his workers' hands so that if any other project comes, they couldn't say yes to it. इनको भी देने पड़ेंगे 0 as fuck. पेन कहाँ है? पिछले 3-4 दिनों से मैं ये देख रहा था कि ये लोग योगा पीरियड के बाद क्लास में आते ही नहीं। योगा टीचर को बोल देते हैं कि सर आज हम शवासन करेंगे। अच्छे से 2-2.5 घंटा शवासन करके क्लास में आते टहलते हुए, आंखों पे चीपड़े, यहाँ कॉलर पे लार गिरी हुई है। वो बेचारा योगा टीचर परेशान हो गया है क्योंकि लड़कियां आजकल उस पे फेमिनिज्म का टॉपिक लेके चढ़ गई। आर्ग्यू करती हैं कि इनको आसन क्यों कहते हैं, आर डॉटर क्यों नहीं कहते। वो डर के मारे लड़कियों को चक्रा डॉटर और पद्मा डॉटर करवाता है। हाँ आजकल हो रहा है। बट सर उनको अपने अधिकार मांगने का हक है। अरे तो क्या सूरज को भी डॉटर बुलाए? अब बेटा डॉटर के नीचे लेट जाओ, विटामिन डी देगी। फालतू की बातों में दिमाग चलता है इन लोगों का। जनरल नॉलेज के एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है आइडेंटिफाई द पब्लिक फिगर, उसमें हिटलर की फोटो के नीचे जेठालाल लिखाया और डोनाल्ड ट्रंप की फोटो के नीचे डेनिस द मेनिस। कितना टीवी देखता है ये? नहीं नहीं सर न्यूज भी देखता है। अरे तू बता ना मुझे, तेरे लैपटॉप में बीबीसी वाला फोल्डर है, कुछ ना कुछ रिसर्च करता रहता है। बीबीसी? बिग ब्लैक कॉक, बड़ा काला मुर्गा जो घाना के जंगलों में पाया जाता है, उस पर रिसर्च कर रहा हूं सर। बेटा अगर इस बार फेल हो गया ना तो पॉपकॉर्न की रेडी लगा दियो, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अटेंशन प्लीज मिस्टर बबली, काइंडली कम टू द रिसेप्शन एज सून एज पॉसिबल, यू हैव विजिटर्स। आई रिपीट मिस्टर बबली, काइंडली कम टू द रिसेप्शन, यू हैव विजिटर्स, थैंक यू। लगता है सोनम के भाई आ गए, उन्हीं का फोन है। आप एक काम कीजिए, आप उनको बोल दीजिए कि आपको फोन कहीं पड़ा हुआ मिला। अच्छा अच्छा अच्छा, हेलो। हाँ जी मुझे ये फोन कहीं गिरा हुआ मिला है, रूम नंबर 24।
ओके ओके क्या कर दिया ये आपने पापा चलो सॉरी सॉरी चलो पापा चलो पापा चलो 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 ए जीजा जी